हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो भौतिक जगत में आत्मा कैसे कार्य करता है उसका एक प्रतीकात्मक रूप से वर्णन हो रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी जो आँखें हैं वो आकर्षक रूपों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इस जो प्रवचन है, विश्लेषण है, इस पर तीन विभाग में लेंगे हम कि वास्तव में सौंदर्य के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, सौंदर्य से हम कैसे गुमराह हो सकते हैं और सौंदर्य से हम किस तरह से सही मार्ग पर आ सकते हैं। तो मैं अमेरिका में कॉलेज में लेक्चर्स देता हूँ, तो एक लेक्चर, बहुत विद्यार्थी आते हैं उस लेक्चर के लिए। वो लेक्चर का टाइटल है हाउ साइंस पॉइंट्स टू स्पिरिचुअलिटी थ्रू सेक्स, कि जो लिंग या मैथुन है उसके द्वारा विज्ञान कैसे आध्यात्म की ओर पॉइंट करता है। तो अभी सबको रुचि हो जाती है इसमें क्या है कैसे है। तो वास्तव में क्या है कि इसको एग्जैक्टली सेक्स नहीं है ये, पर कि दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ब्यूटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि सौंदर्य के द्वारा हम कैसे भगवान के अस्तित्व के तर्क तर्क स्तर पर प्रस्थापित कर सकते हैं। तो क्या है इसका अर्थ कि जो बहुत अभी हम कह सकते हैं दो अधिकांश विचारधारा है, एक भौतिकवादी और एक नास्तिकवादी, एक आस्तिकवादी और एक नास्तिकवादी, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी। तो अभी भौतिकवादी लोग कहते हैं कि सब कुछ जो सृष्टि हुई है वह इवोल्यूशन, उत्कर्ष इज रेवोल्यूशन, ओके, उत्क्रांति के द्वारा हुई है सब। तो अब जो इवोल्यूशन के द्वारा सब कुछ आया है और उसके लिए फिर अगर सब कुछ इवोल्यूशन से आया है, उत्क्रांति से आया है, तो उसमें जो कोई भी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने के लिए कोई फ्यूल लगता है, कोई पेट्रोल लगता है। तो उत्क्रांति के लिए पेट्रोल क्या है कि वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे तंदुरुस्त है वो जिएगा, और जो भी व्यक्ति के जीने के लिए अनुकूल है वही जिसके पास है वो जिएगा। तो अभी मान लीजिए कुछ जानवरों में अगर कोई जानवर बहुत शक्तिशाली है और बाकी जानवर कमज़ोर है, तो फिर अगर वहाँ पे कोई शेरों का एक झुंड है और वहाँ पे बहुत कम हिरन है, उनके लिए मांस खाने के लिए बहुत कम जानवर है, तो वह शेर जो सबसे शक्तिशाली है वो जिएगा और बाकी जो शेर है जो वो जी नहीं पाएंगे। और यह वास्तव में इसमें इसे ये एक निसर्ग का सत्य ही है, जीवो जीव से जीवनम, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे तंदुरुस्त है वो जिएगे। इस पे इससे कोई शास्त्रों से भी विवाद नहीं, शास्त्र भी मानते हैं ये बात। तो अभी इसका क्या है कि एक होता है ऑब्जर्वेशन और उससे होता है एक्सट्रापोलेशन, एक चीज़ हम देखते हैं पर उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष कितना वो सही है गलत है वो पता नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं। तो कोई व्यक्ति बहुत खा रहा है, हम वो देख रहे हैं कि बहुत खा रहा है, तो इसे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बहुत लोभी है खाने के लिए। और दूसरा निष्कर्ष हो सकता है कि व्यक्ति काफ़ी दिनों से बहुत भूखा है इसलिए खा रहा है। तो निष्कर्ष जो होता है वो गलत हो सकता है, जो देख रहे हैं वो ठीक है, पर निष्कर्ष अलग अलग लोग निकाल सकते हैं। तो अभी वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष, ना वैज्ञानिक नहीं, नास्तिक के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो उत्क्रांति का कारण है कि सबसे तंदुरुस्त जो जीव जिएगा उससे सारी सृष्टि निर्माण हुई है और सारे जीव उसी के द्वारा एक के बाद करके आए हैं। पर इसमें जो डार्विन ने जो इसका प्रतिपादन किया था उसने ही पहले से कहा था कि उसमें एक बड़ी समस्या है और वो क्या है, सौंदर्य। क्योंकि निसर्ग में ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, पंछी होते हैं जिनमें बहुत ही अप्रतिम सौंदर्य होता है। और अगर हम मोर देखते हैं जो उसके इतने जब वो पंछी उसके जब फेदर्स पीस पंख पंख और विंग्स पंक इज विंग्स ना, फेदर्स इज नॉट विंग्स, पीस बोलते हैं मराठी में,
हिंदी में फन पर ओके पर तो उसके जो जो अभी जो उसके सुंदर पर जो आते हैं वो वास्तव में अगर देखे गए वो पंछी को भागना है किसी जानवर से बचना है तो इतने सारे पर तो कुछ फायदे के नहीं है। तो अगर सिर्फ जीवन जीने की दृष्टि से देखे गए तो अनेक जीवों में ऐसे ऐसे जानवरों में पंछियों में इतने सुंदर लक्षण होते हैं और वो कुछ सुंदर पंख हो सकते हैं, सुंदर पर हो सकते हैं, सुंदर बाल हो सकते हैं। अभी ये सब जो है यह वास्तव में निसर्ग में जीने के लिए प्रतिकूल है क्योंकि तो इतने सारे अगर पंख हो गए तो उसका वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा मतलब उसको दौड़ना मुश्किल है, उसको उड़ने के लिए ज़्यादा शक्ति लगेगी। और हम कह सकते हैं मोर तो ऐसे है कि वो पंख अपने कभी कभी सिर्फ कभी कभी फैलाता है। पर कुछ ऐसे है जानवर है जैसे अंग्रेजी में उसको कहते हैं बोवर बर्ड। बोवर बर्ड मतलब क्या होता है, ये ऐसा पंछी होता है उसके उसके एक ही उसके रूप में अगर सूरज की किरण इस तरह से दिखेगी तो उसका एक रंग दिखता है, दूसरी तरफ से दिखेगी दूसरा किरण दिखता है, तीसरी तरफ से दिखेगी तो तीसरा किरण दिखता है। और उसके जो पर और पंख होते हैं वो इतने आकर्षक होते हैं कि इट्स लाइक अ फेस्टिवल। जैसे अगर हम भगवान को पूरा ध्यान पूर्वक डेकोरेट करने के बाद बहुत से कलर आते हैं वैसे उसमें अपने आप आते हैं। और ये सब उसके शरीर में जो है ये एक बड़ा बोझा है एक तरह से। तो अभी ये सब बोझा होने के बावजूद जो सौंदर्य है, अब साधारणतः अगर हम देखते हैं हमको कुछ काम के लिए जाना है तो हम थोड़ा अच्छी तरह से ड्रेस कर लेते हैं, पर किसी को फैशन रैंप में जाना है तो फिर वो घंटे घंटे डेकोरेट करते हैं। और एक भक्त मैं अमेरिका में था, एक भक्त है उनकी जो पत्नी है वो फैशन डिज़ाइनर है, फैशन डेकोरेटर है। तो वो बोल रहे थे कि वो जब बताए थे कि जब वो किसी वो काफ़ी सेलिब्रेटेड है उनके से तो अगर बॉलीवुड स्टार का कोई एक इंटरव्यू अगर होता है तो वो 15 मिनट का शायद इंटरव्यू होगा पर उसके लिए लगभग 2-3 घंटे वो मेकअप करते। तो वो बोले थे ये स्टार्स होते हैं उनका अधिकांश जीवन जो होता है मेकअप में जाता है क्योंकि हर पब्लिक अपीयरेंस के पहले उनको मेकअप करना होता है। तो अगर किसी को बहुत सुंदर दिखना है तो उसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे हम तो मानव में तो हम बहुत डेकोरेशन करते हैं पर अगर जानवरों में भी है वो एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए एक व्यत्यय होता है। अगर किसी को 3 घंटा मेकअप करने में लगाना है तो प्रैक्टिकली जीवन नहीं निकलेगा। तो डार्विन ने भी ये देखा था कि अगर जानवरों में इतना सौंदर्य है तो ये सौंदर्य वास्तव में व्यवहारिक जीवन जंगल में जीने के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि ये सौंदर्य के जो भी है आभूषण जो हम कह सकते हैं पंख है पर है वो एक अलग अलग पद से बोझे हो सकते हैं। ये पूरा मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पर, तो मैं इस पर पूरा नहीं जाने वाला हूँ पर सब के कई उदाहरण भी हैं, इसके वीडियोस भी है कैसे जो पंछी होते हैं जानवर होते हैं वो वास्तव में उनका लिए जो सौंदर्य है वो बोझा है एक तरह से। तो तभी डार्विन ने उसका एक था कि कैसे जानवर कैसे योनि आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि निसर्ग चुनता है कि जो सबसे तंदुरुस्त है वो आगे बढ़ेगा। पर उसने एक दूसरा तर्क निकाला ऐसे चीज़ों के लिए, वो कहता है उसके लिए सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब क्या है कि अभी हर जीव को जो भी जानवर है वह जानवर पुरुष और मादा, पुरुष और स्त्री या नर और मादा जो भी है उनका एक होके फिर अपनी जो स्पीशीज़ है जो योनि है जानवरों की वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसका विचार था कि ये सब सौंदर्य क्यों है, इससे जो दूसरे योनि है मतलब अगर कोई बर्ड कोई पंछी बहुत आकर्षक है तो उससे जो स्त्री पंछी है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी, या अगर स्त्री पंछी है तो उसके द्वारा जो पुरुष पंछी आकर्षक हो जाएगा आकर्षित हो जाएगा। तो इसके लिए सौंदर्य है तो ये बात हो सकती है। पर इससे अगर हम कहते हैं कि सार अगर भौतिकवादी तर्क ये है कि सब कुछ निसर्ग से ही आया है और निसर्ग का जो निसर्ग में अस्तित्व का उद्देश्य है कि जीवन को आगे बढ़ाना, तो अगर ऐसा कुछ ऐसे इसी से सिर्फ सर्वाइवल की दृष्टि से आया है बचने के जीवन जीने की दृष्टि से आया है
तो जो अगर अगर कोई कोई पुरुष पंछी है जो बड़ा आकर्षक है तो, और स्त्री पंछी जो है उसको अगर दो तीन पंछियों में से चुनना है अपना मेट, तो वो सबसे आकर्षक उसे चुनेंगे, हो सकता है ये, और ऐसा होता भी है निसर्ग में। पर इसमें एक चीज़ है कि वो स्त्री पंछी को पहले से एक सौंदर्य समझने की क्षमता होनी चाहिए, सौंदर्य समझने चाहिए, सुंदर है ये, सुंदर नहीं है। पर ये सौंदर्य समझने की क्षमता आई कहाँ से? अगर हम सब केवल सिर्फ अपना जीवन जीने के उद्देश्य से जी रहे हैं और कुछ है ही नहीं, तो जानवरों में उन सौंदर्य समझने की क्षमता आई कहाँ से? सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूटी इन नेचर इज अ मिस्ट्री, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैकल्टी टू अप्रिशिएट ब्यूटी इन नेचर इज ऑल्सो मिस्ट्री। तो दोनों है, सौंदर्य का अस्तित्व क्यों है निसर्ग में, और सौंदर्य के अस्तित्व अगर दूसरा 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 पंछी या दूसरा जो मादा नर मादा जो भी है वो समझने के लिए, उनमें वो क्षमता कहाँ से आई है? तो भौतिकवाद के में इसका कोई जवाब है ही नहीं है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा तर्क किया है, उत्क्रांतिवादियों ने कि क्या कि जो 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 नर जो होते हैं अगर वो बहुत सुंदर है तो उसके अनुसार शायद उनके जीन्स भी अंदर से बहुत शक्तिशाली हो गए, कि जो अंदर की शक्ति है वो बाहर के सौंदर्य में दिखती है, इसीलिए उनका प्रतिपादन होता है। पर जब उन्होंने संशोधन किया वो बोले वैसे नहीं है। जैसे कई बार ऐसे हो सकता है कुछ लोग दिखने में बड़े आकर्षक होते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं, तो वैसे ही जानवरों में भी ऐसे होता है कि सिर्फ शारीरिक सौंदर्य वह इट इज फिजिकल ब्यूटी इज नॉट अ कोरिलेट ऑफ सर्वाइवल स्किल्स। तो इसीलिए ये सौंदर्य निसर्ग में है ही क्यों? तो यह समझना यह समझाना भौतिकवादी दृष्टि के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी ये दिस इज कंसिडर्ड एनालिटिक फिलोसॉफी नाम का एक तत्वज्ञान में एक विभाग है, और एनालिटिक फिलोसॉफी जो है उसमें क्या है कि कई क्रिश्चियन फिलोसोफर्स हैं, क्रिश्चियन तत्वज्ञानी, उन्होंने भगवान के अस्तित्व का तर्क जो है इतना प्रभावशाली पद्धति से कर दिया है कि वो एनालिटिक फिलोसॉफी के फील्ड से सारे नास्तिक अभी निकल गए। और ऐसे वो एक ही क्षेत्र है एनालिटिक फिलोसॉफी का, दूसरे क्षेत्र के फिलोसॉफी में अभी तक नास्तिक है। पर क्या है कि दिस इज जो मेन स्ट्रीम फिलोसॉफी में तत्वज्ञान में द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ब्यूटी, कि सौंदर्य से भगवान के अस्तित्व निष्कर्ष, ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है, डिसाइसिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि भगवान का अस्तित्व तो हम किसी तर्क से वास्तव में प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं, पर उसकी ओर हम संकेत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे संदर्भ ये चर्चा का उद्देश्य ये है कि सौंदर्य का अस्तित्व निसर्ग में है ही क्यों, यह भौतिकवाद हमें समझाता नहीं है। तो आध्यात्म में इसका जवाब है, आध्यात्म में क्या इसका जवाब है, खास करके भक्ति शास्त्रों में, कि सौंदर्य इसलिए निसर्ग में है और सौंदर्य इसलिए जीवों में है क्योंकि हम सब भगवान से आते हैं और भगवान सर्व सुंदर है, भगवान सर्वाकर्षक, जन्मादिस्य दा सर्व कारण कारणम। तो भगवान में सौंदर्य है इसीलिए हम सब में भी सौंदर्य है, और क्योंकि भगवान में न केवल भगवान केवल एक व्यक्ति नहीं है, भगवान एक कपल है, राधा और कृष्ण। तो कृष्ण राधा के सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं और राधा कृष्ण के सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो भगवान ने में केवल न भगवान में न केवल सौंदर्य है पर सौंदर्य समझने की, सौंदर्य की सराह करने की क्षमता भी है, इसीलिए हम में भी सौंदर्य की सराह करने की सराहना करने की क्षमता है। तो जो सौंदर्य का अस्तित्व है वह क्यों आ रहा है, क्योंकि भगवान में सौंदर्य है। अभी ये पहला पॉइंट था कि सौंदर्य का सौंदर्य इज सो ब्यूटी इज अ मिस्ट्री इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू बट इट इज एक्सप्लेनेबल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू, हम आध्यात्मिक से समझा सकते हैं उसको। पर हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये एक विलक्षण बात है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण सौंदर्य का अस्तित्व क्यों है ये समझा नहीं सकता है, पर सौंदर्य का पीछा करना ये भौतिकवादी अस्तित्व का उद्देश्य है।
Materialism can't explain the existence of beauty, but the pursuit of beauty is the defining characteristic of materialism. जिसका अस्तित्व समझा ही नहीं सकता, पर उसका ही पीछा करना भौतिकवादी जीवन का प्रधान लक्षण है. इसके विपरीत हम शास्त्र देखते हैं. शास्त्रों में सौंदर्य का अस्तित्व क्यों है ये समझाया गया है, पर फिर भी शास्त्र कहते हैं सौंदर्य के द्वारा मोहित मत हो जाओ. तो ऐसे क्यों है? एक तो ऐसा से हम आपसे समझाते हैं, पर सौंदर्य के द्वारा मोहित न हो जाओ ऐसे शास्त्र बताते हैं. क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि भौतिक जगत जो है ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवेत्, कि यह एक प्रतिबिंब है, यह एक वास्तव में शाश्वत सत्य नहीं है यह भौतिक जगत. और इसलिए इस भौतिक जगत की ओर अगर कोई आकर्षित हो जाता है तो फिर वो कोई शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकता. तो इस भौतिक जगत में सौंदर्य है, कोई अभी इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं. अगर कोई बहुत ही एनालिसिस करना चाहता है तो कोई कह सकता है क्या सौंदर्य है, सब कुछ सिर्फ जो स्किन त्वचा का ही आकर्षण है. त्वचा के नीचे देखेंगे तो कुछ भी आकर्षित नहीं है. तो अगर आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है, डीकंस्ट्रक्ट मतलब किसी को ऐसे तर्क वितर्क करके उसको क्या है वो ढूंढना है, तो फिर वो तो हम हर चीज़ के लिए कर सकते हैं. तो हम स्वादिष्ट अन्न कहते हैं, स्वादिष्ट अन्न क्या है वास्तव में? वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये केवल ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिट्टी में होते हैं और मिट्टी का कोई स्वाद नहीं होता है. वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे पद्धति से साथ में आ जाते हैं तो उससे हलवा बन जाता है. तो आप मिट्टी की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, हलवे की ओर आकर्षित क्यों हो रहे? तो ये अगर हम डिकन्स्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो हर एक चीज़ का कर सकते हैं. कोई बहुत मधुर संगीत है, बोले मधुर संगीत भी क्या है? वो केवल एक वाइब्रेशंस है, एक ध्वनि, वाइब्रेशन से ध्वनि, केवल वाइब्रेशंस है. और कोई कर्कश वाइब्रेशन है या कोई बहुत ही मधुर वाइब्रेशन, वो सिर्फ ईथर में जो खम में वाइब्रेशन चल रहा है तो उससे इतना क्यों आकर्षित हो रहे हैं? तो अगर हम डिकन्स्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो हर एक भौतिक चीज़ का हम डिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं कि ये वास्तव में कुछ है ही नहीं. पर हम जिस द ब्यूटी टेस्ट मेलोडी ऑल दीज आर प्रेजेंट एट द स्केल ऑफ परसेप्शन एट विच वी नॉर्मली परसीव द वर्ल्ड. कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत सुंदर दिखते हुए थी, अगर उनके ही शरीर को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो जो एक चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है, वैसे लगा कि चेहरे में बहुत से खड्डे हैं, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, सारे जैसे के एक टोपोग्राफी जैसे दिखेगा उसको निसर्ग का. वो क्या है? वो दूसरे स्केल पे है वो. पर हमें निसर्ग ने इस तरह की दृष्टि दी है कि उससे हम सौंदर्य देख सकते हैं, उससे हम मधुरता सुन सकते हैं, उससे हम मीठापन स्वाद आस्वादन कर सकते हैं. तो अभी यह हमें क्यों दिया है? एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं ये सब मोह ही है, पर फिर भी जो हम दृष्टि दूसरी देखते हैं उसमें हमें ये सब दिखता है. और ये दिखता क्यों है? तो वास्तव में इसका उद्देश्य ये है कि यह इस सौंदर्य की ओर हम देख के हम समझें कि ठीक है ये सौंदर्य है पर ये क्षणिक है, यह ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है. तो असली सौंदर्य, शाश्वत सौंदर्य कहाँ है? अगर कोई रेगिस्तान में है, उसको एक बूंद पानी मिलता है तो वो एक बूंद पानी का दिखता है तो समझ सकता है कि अच्छा ये बूंद पानी, ये इससे तो मेरी संतुष्टि नहीं होने वाली है, पर यहाँ पे अगर पानी का बूंद आ गया है मतलब पानी कहीं तो पास में होना चाहिए. तो उससे अगर कोई रेगिस्तान में बहुत प्यास से तड़प रहा है और उसको पानी की बूंद कहीं दिखती है तो एक तरह से उसकी आशा बढ़ जाती है. हाँ, पानी का बूंद है मतलब पानी कहीं तो भी होना चाहिए. अगर रेगिस्तान में उसको कहीं पानी दिखेगा ही नहीं तो फिर वो हताश होके सारा प्रयास छोड़ के ठीक है मैं मरने वाला हूँ और हताश होके अपना जीवन छोड़ देगा वो. तो रेगिस्तान में अगर किसी पानी की बूंद दिखती है तो वो अच्छी बात है.
क्योंकि उससे उसकी आशा बढ़ती है कि मुझे पानी मिल सकता है. पर रेगिस्तान और भौतिक जगत में जो परिस्थिति उसमें फ़र्क है. अगर मान लीजिए हम यहाँ पे है रेगिस्तान में और यहाँ पे पानी का बूंद दिखता है, तो उस पानी के बूंद जहाँ पे दिख रहे उस दिशा में और जाएंगे तो अंत में हमको पानी मिल जाएगा. कहीं जो कोई सागर है, कोई नदी है, कोई तालाब है, वह दिख जाएगा. पर ये भौतिक जगत में क्या समस्या है कि हमको जिस दिशा, हमको जहाँ पे पानी की बूंद दिखते हैं और जहाँ पे पानी का सागर है, ये वास्तव में दोनों अलग अलग दिशा में है. मतलब पानी के बूंद इस दिशा में है जो भौतिक दृष्टि में है, भौतिक चेतना में हमको ये पानी के बूंद दिखते, सौंदर्य सुंदर चीज़ें अलग अलग दिखती है. पर जो पानी का सागर है, जो सौंदर्य का सागर है, वो भौतिक चेतना में नहीं है, वो आध्यात्मिक चेतना में है. तो कैसे होता है, अगर कोई डिटेक्टिव, अगर आप कोई डिटेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, जासूस, नहीं वो स्पाई हो गया, अच्छा ठीक है, जासूस ही हो सकता है, ठीक है ओके ठीक है, जो जासूस जो है, हाँ, तो वो अगर कोई सुराग, क्लू, तो अगर कोई सुराग ढूंढ रहा है वो, तो कभी कभी क्या होता है, जो चोर होते हैं वो गलत सुराग डाल देते हैं. उसको लगता है यहाँ पे चोर है, वहाँ पे चला जाएगा वो, पर वो गुमराह करने के लिए सुराग डाले होते हैं. तो कुछ सुराग ऐसे होते हैं जो सही मार्ग में ले जाते हैं, कुछ सुराग ऐसे होते हैं जो गलत मार्ग में ले जाते हैं. तो क्या है, जो सौंदर्य हम इस भौतिक जगत में देखते हैं वह सौंदर्य असली सौंदर्य के अस्तित्व के बारे में बताता है कि ठीक है ये सौंदर्य है पर ये अशाश्वत है. इसका मतलब है शाश्वत सौंदर्य भी कहीं है. तो द ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड पॉइंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूटी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. टेम्पररी ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड पॉइंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल ब्यूटी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. इस जगत के अशाश्वत सौंदर्य से, इस जगत के परे कई शाश्वत सौंदर्य है, इसके अस्तित्व का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं. पर तो उसमें क्या है, इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते तो ये अच्छा सुराग है. पर गलत सुराग क्या है कि इस जगत में हम सौंदर्य देखते हैं उसी का हम पीछा करने लगते हैं, और उसमें लगता है हमें कि मुझे और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा, और सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा तो और सुख मिलेगा. यह जब भाव हो जाता है तो हम उससे गुमराह हो जाते हैं. तो अब इसका, इसलिए एक तत्व हम कह सकते हैं इसके, एवरीथिंग अट्रैक्टिव कम्स फ्रॉम कृष्णा बट एवरीथिंग अट्रैक्टिव डजंट टेक अस टू कृष्णा. कि सब आकर्षक चीज़ें भगवान से ही आती है. कोई सुंदर व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर दिखने में, तो ऐसे नहीं है कि अपने माँ के गर्भ में थे तब उस व्यक्ति ने अपने शरीर को डिज़ाइन किया जाके बहुत सुंदर हो जाएगा, नहीं, वो उसका सौंदर्य है उनके पास तो भगवान की भेंट है. तो सारी आकर्षक चीज़ें जो है भगवान से आती है, भगवान की योजना से, अंतिम दृष्टि से आती है. पर सारी आकर्षक चीज़ें भगवान के पास में नहीं ली जाती है. तो इसीलिए शास्त्रों में अधिकांश रूप से बताया गया है कि जो सौंदर्य की जो चीज़ें, सुंदर चीज़ें जो है वो गलत सुराग है. वो ऐसे सुराग है जो हमें गुमराह कर देंगे. हमें सुराग की जो, हमें जो असली जो सागर है सौंदर्य का, उसके खोज में अगर हम जा रहे हैं, ये भौतिक जगत में सौंदर्य दिखता है उसके पीछे जब आगे गए तो हम वो असली सौंदर्य से और दूर चले जाएंगे. तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो सौंदर्य है उसके पीछे आप मत भागो. उसके पीछे जब भागोगे तो ऐसे उदाहरण दिया गया है कि कैसे कुछ पंछी पतंग होते हैं जो अग्नि की ओर आकर्षित होकर आँखों के आँखों में जो आकर्षित लगता है उसके पीछे भागते हुए जल जाते हैं. वैसे लोग सौंदर्य के पीछा करते हुए जल जाते हैं. जल जाते हैं मतलब क्या होता है कि वो अवैध कार्य कर देते हैं, बुरे संग में फंस जाते हैं और अलग अलग तरह से उससे मोहित हो जाते हैं. पर शास्त्र में बताया गया है कि हम जो सौंदर्य की जो हमारी इच्छा है, सुंदर चीज़ देखने की इच्छा है, वो सबसे मूलभूत रूप से वो हमारे आत्मा से आती है और उसकी संपूर्ण पूर्ति जो है वो भगवान में होती है. तो जब हम भगवान के सुंदर रूप को निहारते हैं, और न केवल सिर्फ देखा कि आँखों से देखना है, क्योंकि भगवान का अनुभव जो होता है वो आँखों से नहीं होता है, वो भक्ति से होता है. भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र च. जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो क्या है कि हमें हमको जो भी पुजारी है उन्हें अच्छी तरह से भगवान को सुशोभित करना चाहिए, ताकि जो लोग भौतिक चेतना में भी है वो उनको भी लगे भगवान बड़े आकर्षक हैं. पर
अगर मान लीजिए कोई तमोगुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण में है, कोई शुद्ध सत्व में है, तो अभी कोई मधुर कीर्तन करता है कोई, तो वो शायद व्यक्ति तमस में हो, रजस में, सत्व में हो, वो मधुर कीर्तन को उसे अच्छा लगेगा, मधुर कीर्तन तो अच्छा लगेगा, तो अगर भगवान का सुंदर रूप है तो सबको वो आकर्षित लगेगा। पर क्या है, तो उसी तरह से रजस और तमस में भी जो आध्यात्मिक स्वाद है उसका अनुभव हो सकता है, पर उसका वी कैन एक्सपीरियंस कृष्णा इवन इन द लोअर मोड्स, बट वी कांट परस्यू कृष्णा इन द लोअर मोड्स। उसका अनुभव कर सकते हैं पर एक स्थिरता के साथ, सब्र के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण की ओर अग्रसर होना मुश्किल होता है, क्योंकि जो रजस तमस में होता है मन बड़ा अस्थिर होता है, ठीक है ये आकर्षक है इसकी ओर आ जाओ, पर बाहर जाएंगे कुछ और आकर्षक है उसके पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें शुद्धिकरण करना है। तो भले ही अभी हमारी चेतना में भौतिक चीज़ें हमें उतनी भगवान से ज़्यादा आकर्षित लग सकती है, फिर भी क्या है, यह वास्तव में हमारे जो ऐसे नहीं कि भौतिक चीज़ें भगवान से ज़्यादा आकर्षक है वास्तव में, पर यह हमारी अभी जो रुचि है वह एक तरह से विकृत हो गई है। तो एक पॉइंट के साथ मैं अंत करता हूँ। मैं कनाडा में एक लेक्चर दे रहा था, तो एक भक्त ने सवाल पूछा कि व्हाई डज द हायर टेस्ट नॉट सीम हायर टू अस। हमको कहते हैं कि जो ऊंचा स्वाद है वो हमको ऊंचा क्यों नहीं लगता है। अब कहते हैं भक्ति में बड़ा आनंद है, पर भक्ति का आनंद इतना ही लगता है, भौतिक चीज़ों में जो आनंद हो ज़्यादा आनंद लगता है। तो ऐसे क्यों है, बोले क्योंकि मैंने कहा क्योंकि जो हमारी स्वाद करने की क्षमता है वो विकृत हो गई है। अभी जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया है कि किसी को जॉन्डिस होता है, तो फिर वो व्यक्ति कोई मधुर चीज़ स्वादिष्ट चीज़ भी खाता है, जैसे गन्ने के जूस खाता है, फिर उसको स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो ऐसे नहीं कि गन्ने का जूस स्वादिष्ट नहीं है, मीठा नहीं है, मीठा है पर उसकी जिह्वा अभी बीमार हो गई है। तो ठीक उसी तरह से अभी जो हम स्वाद अनुभव करते हैं, अभी हमको जो सुंदर लगता है, वह वास्तव में हमारी सौंदर्य को समझने की जो क्षमता है वह भी एक तरह से दूषित हो गई है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सौंदर्य समझने की क्षमता को विकसित करना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत एग्रेसिव नॉइजी म्यूजिक सुनते हो, रॉक होता है, जैज होता है, वैसे प्रकार का बहुत आवाज़ आता है उसमें, और फिर वो व्यक्ति उसको अगर शास्त्रीय संगीत सुनाने को बैठाएंगे कुछ हो ही नहीं रहा उसको इसमें। अभी नहीं, अभी इसमें भी ये भी संगीत जो है मधुर है, इसमें भी बड़ा रस है, पर वो रस का विकास करना है। तो उसी तरह से क्या है, सौंदर्य ऐसे नहीं कि भौतिक जगत में सौंदर्य है नहीं, है सौंदर्य पर वो क्षणिक है, और ऐसे नहीं है कि भगवान में सौंदर्य नहीं है, वो भी सौंदर्य असीम मात्रा में है, पर वो जो सौंदर्य के को परखने की, सौंदर्य को महसूस करने की जो क्षमता है वो हमें विकसित करनी है। और जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसके द्वारा जितना हम शुद्ध हो जाते हैं उतना हम भगवान के आकर्षण को हम समझ सकते हैं और भगवान के ही आकर्षित हो जाते हैं। तो जितना हम अभी हमारे आँखों से भौतिक चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अगर उतना ही हम भगवान को हमारा केंद्र बनाते हैं जीवन के उद्देश्य का, भले ही भगवान हमें शायद आकर्षक लगे या न लगे, और भौतिक चीज़ें भले ही आकर्षक लगे पर उनकी ओर हम ज़्यादा उसका हमारा ध्यान न दें, तो फिर क्या होगा, इसके द्वारा धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण होने के बाद जैसे ही हमारे भगवान दिव्य सौंदर्य को समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो उतना हम भगवान में ध्यान लगाने में आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, और फिर वही हमें जो आंखें हमें अभी मोह में ले जाती है, वही आंखें हमें भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण करा के भगवत धाम की ओर ले जाएगी। तो सारांश में आज चर्चा की कि मैं तीन पॉइंट्स की, कैसे सौंदर्य का अस्तित्व भगवान के अस्तित्व की ओर तर्क की ओर सूचित करता है, जो भौतिकवाद है उसमें उत्क्रांति के तत्वों में ऐसे बताया के विचारधारा में से बताया गया कि सब कुछ जो होता है अस्तित्व में है वह सिर्फ जीने के लिए है, खुद को जिंदा रखने के लिए है। तो
तो जिंदा रखने के लिए जो सौंदर्य होता है जानवरों में, बड़े बड़े पर होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, वह सब तो बचने के लिए प्रतिकूल है, फिर इनका अस्तित्व है क्यों? तो कोई कहेगा कि ये इसलिए है कि वो किसी अपने मेट को, किसी दूसरे लिंग के जानवर को या पंछी को आकर्षित कर सके, पर फिर सौंदर्य की ओर आकर्षित हो यह क्षमता उस दूसरे लिंग के जानवर में आई कहाँ से? उस वो भौतिकवाद में इसका कोई उसका जवाब नहीं है। तो आध्यात्मिकवाद में हम कह सकते हैं इसके लिए कि हम में सब में निसर्ग में हम सब में जो भी सौंदर्य है वो इसलिए है क्योंकि भगवान में सौंदर्य, हम सब भगवान से आए हैं, और क्योंकि भगवान में सौंदर्य को आस्वादन करने की क्षमता है इसलिए हम में भी सौंदर्य का आस्वादन करने की क्षमता है। तो भौतिकवाद सौंदर्य का अस्तित्व समझा नहीं पाता है, पर सौंदर्य के पीछा यही भौतिकवादी जीवन का उद्देश्य होता है, तो ये विडंबना है। आध्यात्मिकवाद में हम समझते हैं सौंदर्य का अस्तित्व है, फिर भी हमें कह दिया जाता है कि सौंदर्य के पीछे आप मत भागो। क्यों? क्योंकि यद्यपि यह सौंदर्य का अस्तित्व भगवान के शाश्वत सौंदर्य की ओर सूचित करता है, पर यह ऐसा है, ये एक तरह से गलत सुराग के समान है। जहाँ पे बूंद है वहाँ पे सागर होगा, जहाँ पे पानी का बूंद है वहाँ पे पानी का तालाब होगा, पर यहाँ पे पानी का बूंद एक दिशा में है और पानी का तालाब दूसरी दिशा में है। जितना हम पानी के बूंदों के पीछे जाएंगे उतना तालाब से हम दूर जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये भौतिक सौंदर्य है उसकी ओर आकर्षित मत होना, तो आप बंधन में फंस जाओगे। तो अभी हमें क्या करना है? जैसे हमें ऊंचा स्वाद ऊंचा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे स्वाद करने की क्षमता भी विकसित नहीं हुई। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान के सौंदर्य को किसी भी गुण में हो हम अनुभव कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, पर शाश्वत रूप से अगर उस सौंदर्य को ही हमें आस्वादन करना है तो इसीलिए हमें शुद्धिकरण करना है। हमारे सौंदर्य को आस्वादन करने की क्षमता जो है अभी हमारी, वो एक दूषित हो गई है। जैसे जॉन्डिस से बीमार व्यक्ति मधुर चीज़ें स्वाद आस्वादित नहीं कर सकता है, वैसे कभी कभी हम जब रजस्तमोगुण में आ जाते हैं तो भगवान के सौंदर्य को हम आस्वादित नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम स्थिरता से भक्ति करते रहेंगे और जितना शुद्धिकरण हो जाएगा उतना हम भगवान के सौंदर्य को आस्वादित कर पाएंगे, उसके द्वारा भगवान में ही हमारा मन लग जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? But even though just a moment scene with the prostitute make him fall down, so is it how we can? अच्छा सवाल है। क्या जामिल तो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन जी रहा था, पर एक पल उसने उस वेश्या और अश्लील कार्य करते हुए देख लिया, उससे उसका पतन हो गया, तो ऐसे क्यों हुआ? तो वास्तव में मैं कुछ समय पहले एक प्रवचन दिया था कि कैसे होता है कि देयर इज़ परसेप्शन, डिस्पोजिशन और इंटेंशन। जो हम देखते हैं, जो हमारी भावना है, जो मानसिकता है और जो हमारा उद्देश्य है, ये तीनों हम जो कार्य करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। तो मैं पूरा प्रवचन इस पर मैं तुलना की थी अजामिल की, फिर सुग्रीव की जब वो जंगल से वापस आता है राज्य में भोग करने लगता है, और हनुमान जी की जब वो जाते हैं लंका में, और वहाँ पे भी वो जो सीता को ढूंढ रहे होते हैं तो बड़े सुंदर स्त्रियों को जो रावण के साथ होते हैं उनको देखते हैं। तो ऐसे क्यों है कि अजामिल पतन हो गया, सुग्रीव का कुछ समय के लिए पतन हुआ पर हनुमान जी का बिल्कुल पतन नहीं हुआ? तो इसमें क्या है कि प्रधान फर्क ये है कि इट इज़ इंटेंशन, कि स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस, हमारा उद्देश्य कितना शक्तिशाली है, कितना हमारा दृढ़ संकल्प है उसके बारे में। तो अजामिल ने, हमें समझना चाहिए कि अजामिल ने सिर्फ वो देखा, उसके कारण पतन नहीं हुआ उसका, वो देखने के बाद उसके बारे में चिंतन करता रहा, उसके बारे में विचार करता रहा, न केवल उसके बारे में विचार करता रहा पर उसके बाद में उस पर कार्य भी किया। अभी शास्त्र में जो होता है, जो भी लीला बताई जाती है, ऐसे नहीं है कि अभी कोई भी कहानी हो वह अलग अलग डिटेल में बताई जा सकती है। अगर आप कोई ग्रंथ लिख रहे हैं,
अभी कुछ हमारे इसको हमारे संस्था के वरिष्ठ लीडर्स है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि क्या आप उनकी बायोग्राफी लिख सकते हैं। तो हमें जब बायोग्राफी कैसे लिखी जाती है, बायोग्राफी क्या बोलते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, चरित्र जो दूसरा कोई उनके दूसरा किसी बार लिखता है। तो फिर तभी क्या है, तभी मैं इसके बाद थोड़ा संशोधन कर रहा था, तो क्या है एक प्रसंग जो है अगर लिखना है तो हम 100 शब्दों में लिख सकते हैं, एक प्रसंग 1000 शब्दों में लिख सकते हैं, एक प्रसंग 10000 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो कितना विस्तार करना है वो व्यक्ति पर निर्भर है और वो उस जो प्रसंग पर निर्भर है, मतलब कितना महत्वपूर्ण है जो सुन रहे हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में ऐसे नहीं है कि वो हर एक प्रसंग का पूरा वर्णन दिया जाता है, इसलिए कभी कभी अलग अलग शास्त्रों में हम थोड़ा अलग अलग अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको अजामिल की लीला का पूरा वर्णन बताया नहीं गया है, पर इतना तो बताया कि अजामिल ने अपने वृद्ध माता पिता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को भी ठुकरा दिया। तो अभी अजामिल एक ब्राह्मण कुल से थे, अजामिल एक ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण समाज में रहा था, तो ज़रूर जब ऐसे कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने उसको डांटा होगा, कुछ लोगों ने उसको सलाम मशवरा दिया होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, पर किसी की बात सुनी नहीं उसने। तो ऐसे नहीं है कि वो एक दृष्टि से ही उसका पतन हो गया, वो एक चीज़ देख ली वो सही है, वो बुरा हुआ एक तरह से, पर केवल उसके कारण ही पतन हुआ ऐसे नहीं कह सकते। उसके बाद में रुकने का कई बार कारण या मौका मिला था पर उसने उसको स्वीकार नहीं किया। तो कोई कहता है कि अगर भौतिकवादी, आजकल का जगत बहुत ही दूषित है इसलिए मेरा पतन हो गया, आज की संस्कृति बहुत दूषित है इसके कारण पतन हो गया। ये कैसे है, अगर कोई एयरप्लेन हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज क्रैश हो गया, तो क्रैश क्यों हुआ, कहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण हो गया। अभी गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा है तो फिर सारे हवाई जहाजों का क्रैश होना चाहिए। तो ऐसे अभी वो तो हमेशा का कारण ही है, पर ऐसे नहीं है कि वही पर्याप्त कारण है। तो ज़रूर वो प्लेन में कुछ गलती है या वो ड्राइवर पायलट में कुछ गलती की है, उसके कारण हुआ है वो। तो इसीलिए वह जो एक दृष्टि से वो नहीं हुआ, वो एक दृष्टि से वो दुर्भाग्यशाली है कि वो दृष्टि उसको देखने को मिला उस समय, पर उसके बाद में उस पर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद उसमें कार्य करने लगा, और फिर कार्य करते समय जो दूसरों ने उसको निषेध किया होगा उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए वो एक श्रृंखला है, वो ऐसे नहीं कि एक दृष्टि और उससे सारा पतन हो जाता है, उससे शुरुआत होती है। तो ये जो दृष्टि उसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, कैसे है कि मान लीजिए कोई घर में आग लग जाता है, तो जब आग लगती है पहले तो एक चिंगारी होती है, तो जब चिंगारी की आग की लगी है अगर तभी बुझा दी तो फिर वो आग बढ़ेगी नहीं, अगर थोड़ी भी बढ़ गई है तो फिर कम से कम वहाँ पर उस इलाके में रोक सकते, पर तभी उसको ध्यान नहीं दिया, जितनी आग बढ़ जाती है फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी परिस्थितियों से वो चिंगारी आग के जलने से जल सकती है, पर वो कितनी फैलेगी वो हम पे निर्भर है। ओके, कोई और सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, राय गौर प्रेमानंद की।